नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने हाथी मेरे साथी तो सुना ही होगा, साथ ही इस पर एक मूवी भी है और हाथियों को हमेशा एक कंपेनियन की तरह दिखाया गया है इंसानों के। लेकिन नेपाल में भी इन हाथियों को लेकर एक विचित्र फैक्ट है जिसके लिए नेपाल को दुनिया इन हाथियों के लिए जानती है और इसके पीछे एक स्पेसिफिक इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री है। ओए हाथी देख के पार्टी बदल ली, मेरा क्या? अरे तेरे साथ गेम्स खेलते हैं, गेम्स वाले चैनल पर आना। ओ ठीक है, मैं गेमिंग चैनल पर आऊंगा, बाय। हाँ तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इन हाथियों से नेपाल का एक पुराना रिलेशन रहा है एक गेम को लेकर, जिसको पूरे वर्ल्ड में लीड करता है नेपाल और दुनिया भर से लोग आते हैं इस स्पेशल गेम को नेपाल में खेलने। तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन ये आलिशान गेम नेपाल में ही बना है। इसके रूल्स बड़े विचित्र हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत मजेदार है, साथ ही साथ इसके फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आते हैं नेपाल के उस गेम को जिसमें हाथियों का इस्तेमाल होता था और इसको कहा जाता था स्पोर्ट्स ऑफ किंग। जी हाँ, इस गेम का नाम है एलिफेंट पोलो। पोलो एक ऐसा गेम है जो कि आमतौर पर एक फील्ड में खेला जाता है और जहां पर घोड़े पे बैठे हुए प्लेयर्स खेलते हैं गेम को, कुछ वैसा ही है नेपाल का ये एलिफेंट पोलो। और ये गेम पूरी तरीके से नेपाल से जुड़ा हुआ है जो नेपाल को दुनिया में स्पोर्ट्स की फील्ड में एक स्पेस देता है। और इस गेम की शुरुआत यानी कि ओरिजिन हुआ था मेगोली नेपाल से, जो कि 1982 के दौरान हुआ था। साथ ही अभी ये एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज स्पोर्ट है और इस एलिफेंट पोलो गेम का हेडक्वार्टर है आज नेपाल के टाइगर टॉप पर और यही होती है वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप, जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं इस गेम को खेलने। दोस्तों इस गेम को खेलते हैं हाथी पे सवार प्लेयर्स, जिनके हाथ में होती है एक बड़ी सी बैम्बू स्टिक जो कि यूज की जाती है बॉल को मारने में, और जमीन पर एक बॉल होती है। और साथ ही साथ इस गेम में दो टीम्स होती हैं जिसमें से हर टीम में चार चार एलिफेंट होते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इस एलिफेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला मैच हुआ था स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में, जब सबसे पहली बार हुआ था। तो दोस्तों इस गेम के कुछ विचित्र ही रूल्स और रेगुलेशन है जो कि नेपाल में ही बनते हैं, क्योंकि नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि इसमें एक जानवर का इस्तेमाल होता है, वो है हाथी, और हाथी को जितना भी ट्रेन करो वो कभी ना कभी तो कुछ भी हरकत कर सकता है। मान लो वो हाथी ही गेम खेलने लग जाए तो अपनी सूंड से बॉल को पकड़ ले और किसी को ना दे तो गेम उसी समय रुक जाएगा और उसको एक फाउल करार दिया जाएगा। साथ ही अगर दूसरी टीम का हाथी गोल पोस्ट के आगे लेट जाता है और गोल ही नहीं मारने देता है तो वो भी एक फाउल करार दिया जाएगा और गेम रुक जाएगा। साथ ही साथ अगर ऊपर बैठा प्लेयर हाथी से फिसल के नीचे गिर गया तब भी गेम रुक जाएगा, और जब तक वो प्लेयर नहीं बैठेगा तब तक गेम नहीं स्टार्ट होगा। और एक और विचित्र चीज़, पहले इसमें एक बड़ी बॉल यूज़ की जाती थी जो कि काफ़ी हल्की बॉल होती थी और एयर फील्ड बॉल होती थी, लेकिन आमतौर पर देखा जाता था कि हाथी उसको खेलते थे और पैर रख के उसको फोड़ देते थे, तो इसीलिए एक हार्ड बॉल का इस्तेमाल करने लगा गया क्योंकि हाथी उसको डैमेज ना करे। आपको बता दें कि 2015 की वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप को जीता था स्विट्जरलैंड ने, और कोविड के बाद से तो ये चैंपियनशिप हो ही नहीं पाई है। साथ ही नेपाल के लोग इन चैंपियनशिप को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा देखते भी हैं जब ये नेपाल में होती है, और ये नेपाल की हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट है जो नेपाल को काफ़ी अलग बनाता है पूरी दुनिया से। तो दोस्तों इस खेल के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इस एलिफेंट पोलो गेम का ओरिजिनेशन यानी कि इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी, वो भी दो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर के द्वारा, यानी कि दो ब्रिटिशर्स जो कि नेपाल में बिजनेस करते थे, जिनका नाम था जिम एवॉर्ड्स और जेम्स मैनक्लर, और इन्हीं दोनों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस गेम को शुरू किया। लेकिन इसकी हिस्ट्री इससे पहले की भी मानी जा रही है, आज से करीबन हजारों साल पहले, क्योंकि कहा गया कि इन एलिफेंट पोलो गेम के कई और पुराने सबूत हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं और एंशियंट जगहों पर हैं, वो साबित करते हैं कि ये गेम बहुत ज़्यादा पहले से है, यानी कि आज से करीबन 2000 साल पहले से, क्योंकि इनको 33 AD के टाइम पर कई एंशियंट जगह और बुक्स पर देखा गया है। तो ये ब्रिटिशर्स ने नेपाल में शुरू किया, इस कथन से तो मुझे कोई सच्चाई लगती नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमेशा से हिस्ट्री चोर रहे हैं और वो हमेशा यहाँ वहाँ की हिस्ट्री को ले जाकर अपने यहाँ आज भी संजो कर रखें, जो कि कई एशियन हिस्ट्री को जब देखेंगे आप तो ब्रिटिश के म्यूजियम्स में मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ चोरी किया है, लेकिन ये गेम नेपाल में ही ओरिजिनेट हुआ है, इसीलिए इसके हेडक्वार्टर और इसकी सारी चीज़ें नेपाल में ही हैं और नेपाल ही रिस्पॉन्सिबल है इसके सारे रूल्स के लिए। यदि आपको लगता है कि ये नेपाल में ही ओरिजिनेट हुआ तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना नेपाल पोलो गेम। तो क्या आपको ये सब पता था? अगर नहीं पता तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं, और अगर पता था तब भी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना इस वीडियो के ऊपर, साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन है जो बाजू में उसको दबा लें ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल कंटेंट आपको ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद NI News।